नमस्कार दोस्तों, माता रानी का साक्षात चमत्कार दिखाने के लिए भाई आज संडे के माता जी निकल धरती वाले धरती पार के निकल हरे मई महिमा तुहारी अपरम परवा है दे सकते हैं। कुर्थिया में नीम के पेड़ से माता रानी का जो निकली है उसका आज साक्षात देखते हैं। काफी जनता, काफी भीड़ है। आज संडे का दिन भी है तो मैं सोचा आप लोग को आज लाइव दिखा दूं आप लोग को माता रानी का चमत्कार। तो वीडियो में लास्ट तक न रहेगा। इसके पहले मेरा जो वीडियो देखे थे आप लोग को मैंने दिखाया था कि कहां प्रकट हुई थी और कहां दिखाया गया था। आज के इस वीडियो में मैं लाइव चमत्कार आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं काफी भीड़ है और काफी पब्लिक है जो आज माता रानी का साक्षात चमत्कार जो आप लोग को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा और वीडियो में आप लोग जय माता दी कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं बैकग्राउंड आपको दिखाते हैं नजारे। गेट पे देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों भव्य द्वार का गेट पे देखिए कितना भीड़ है। ये है गेट और काफी भक्तों को देखने जमावड़ा। माता रानी का चमत्कार देखने के लिए काफी भीड़ है जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं। और इधर देखिए दोस्तों ये चमत्कारी नीम का पेड़ जहाँ पेड़ के ठीक नीचे माता रानी का सिंहासन लगा ले ली है, अवतार ली है। और देख सकते हैं ये चारों बगला देख सकते हैं भक्तों का जयकारा। चारों बगला भक्त माता रानी के नीम के जो जहाँ पे माता रानी नीम से प्रकट हुई है वहाँ चारों बगला नीम के पेड़ को सब दूर दूर से आए भक्त लोग माता रानी को देखने के लिए अपने दिल की इच्छा माता रानी से बताने के लिए चारों बगला नीम को घेर कर बैठी हुई है। देख सकते हैं चारों बगला नीम के बैठी हुई घोर कर देखते हैं। और ये हुआ चमत्कारी नीम का पेड़ है जहाँ से ठीक नीम के पेड़ के शोर में से माँ शीतला का साक्षात मूर्ति निकला हुआ है। और देख सकते हैं चारों बगला का नजारा। और देखते हैं यह माता रानी कुछ अलग ही प्रकार का देखते हैं रिएक्शन कर रही है। और देखते हैं चारों बगला में इधर भी एक बार दिखाऊंगा। काफी दूर दरार से भक्त आए हैं माता रानी के जयकार लगा के चारों बगल नीम को छेक कर बैठे हुए अपने दुख दरिद्र और संकट को माता रानी के सामने रख रहे हैं। इधर देखिए देख सकते हैं द्वार पे काफी दूर तक द्वार पे भी लोग लगा के मेला जमावड़ा काफी बैठे हुए। आज है संडे का दिन और संडे के दिन काफी भीड़ लग रहा है, दरबार चलता है माँ का। तो दादी आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे माता जी निकली? मालूम हो गल के एडमिशन में कि हम बाद माता जी निकल रही धरती वाले धरती के पार के निकल रहे। अच्छा उठिया मालूम भर तब मनो ऐली जाए इसी से पता लगत बा कुल गांव में एड्रेस में आवत हो एडमिशन है। दादी से पूछते हैं दादी आपको कैसे पता चला? अरे यही तक तीन दिन कमाई के हल्ला तीन भरी तब कमाई हल्ला भर आदमी आवत बाकी के लिए तो आगत बन। हां 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 जिसे मैं बताऊंगा। आप कहाँ से आई है माता जी? अदलहाट से। बाप इतना दूर से चल के आए हैं माता। आपको कब पता चला कि माता जी यहाँ पे निकली है? आज पता चला है, कल पता चला है और आज भागे चली आई हैं आप। तो आप किसके साथ आई हैं? अकेले आई हैं। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम यही गांव का है। अच्छा इसी गांव का है। जान गई नहीं कि घास लेके आनी कि माई शीतला माई निकल तुरंत हम आई धार लेके अगरबत्ती लेके माई के दरबार में। अच्छा अपन हम अपने बहनों को बुला देने बिहार ताजी कहने की आवाज है शीतला माई आई शीतला माया अच्छा अपने ससुराल से आई हैं भाग के पता चला यहाँ पर। अच्छा आप बता दीजिए बापुर से। अच्छा आपको कब पता चला कि यहाँ पर माता? पता चला कि माई धरती से निकल निबी मिले तो रक्षा कर थी तो ये बदे के हमने आ रही जा। अच्छा सब लोग इधर भावपुर से ही है। अच्छा 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 चलिए सबके दुखों को हरने वाली है। आप कहाँ से आई है माता जी? हम तो नदेसर से आई। नदेसर से? नदेसर कौन बनारस? नहीं पाड़ीपुर। पाड़ीपुर ना। अच्छा नियंता बाग के बगल में।
अच्छा अच्छा। ऐसे दोस्तों देख सकते हैं काफी दूर दूरार से लोग आए हैं, देखते पूरे नीम के पेड़ को छेक कर पूरा बैठे हुए हैं। देखते हैं ऐसे माता रानी सबको बारी बारी आशीर्वाद यहाँ पे देते जा रही हैं, और ऐसे माता रानी की चमत्कार नीम के पेड़ का चमत्कार जो है लाइव आप लोग के सामने दर्शन दिखाते मैं जा रहा हूँ। और दोस्तों काफी दूर दूरार से लोग आए हुए हैं, तो आप इंट्रोडक्शन दिखाए हम आप दिए आप लोगों को काफी कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप आइए चलते दिखाते वो माता जी का चमत्कार जो सबके सीए आती। तो दोस्तों देख सकते हैं यही जो मेन माता जी हैं जिनको रात को माता जी सपना दिखाए थे, इनके सिरे माता जी अब आ गई हैं। तो देख सकते हैं ये इनके मुखबाणी सुनिए आप ये क्या क्या बोलती हैं। देख सकते इस कदर अपना हाथ लाकर माता रानी को स्वागत कर रही हैं, इनके सिरे आ गई हैं। तो आइए इनके मुखबाणी सुनते हैं ये क्या क्या बोलती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दे दिया तुमने सबको सहारा माँ जो प्यारे आया है, भर दिया दामन। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी दूर दराज से लोग आए हैं और माता रानी का साक्षात दर्शन के लिए, दर्शन पाने के लिए माता रानी का साक्षात, माता रानी से अपने दुखों के बारे में, अपने तकलीफ के बारे में साक्षात दर्शन और कहने के लिए देखते हैं काफी दूर दराज से जिसको जो दर्शन करने भाई वाह बस आराम आराम से कपड़ा लता ना जरा आराम से धुकती जलाओ बढ़िया गाँव बची गाँव गाँव बढ़िया तो रहते थे। हाँ गाँव गाँव लाल गाँव सही है गाँव हाउ लड़किया दीजिए अच्छा अच्छा फोटो गुरुजी भी आए हैं, काफी दूर से गुरुजी भी आए हैं माता रानी का गुहार लगाने के लिए। जो आप लोग स्वयं देख रहे हैं तो हमें बताइएगा जरूर कमेंट करके, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। जैसे कि अभी कुछ लोग आ भी रही हैं, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं और भी लोग जा भी रहे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं। हाँ देख सकते हैं अभी कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो आप बताइएगा हमें, देख सकते हैं इधर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, आज का भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और सामने देख सकते हैं कि वो नीम के पेड़ है जहाँ पे खूब है माता रानी का अवतार। तो लोग देख सकते हैं यहाँ सब परेशान हो रहे हैं, दर्शन करके निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों काफी भीड़ है आज के दिन। अब अगले संडे को देखा जाएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर से आने वाला है अगले संडे को। तो देख सकते हैं भाई लोग यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, कई लोग भी माता रानी का पूजा में शामिल हुए हैं, काफ़ी दूर दराज से भी और लोग भी आए। सकते हैं अभी भी भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, बस भीड़ का काफ़ी जमावड़ा अभी भी है, लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और निकल भी रहे हैं जा भी रहे हैं। तो देख सकते हैं और ये लगभग में माता रानी के मिलने के बाद ये हमें लग रहा है कि दूसरा आज संडे है, दूसरा संडे है, और दूसरे संडे के दिन भी देख सकते हैं आप लोग काफ़ी भीड़ है, दिन पे दिन भीड़ का जो है
बढ़ता जा रहा है। अब इस संडे को इतना भीड़ था, अब अगले संडे को देखा जाएगा काफी अंडे अगले संडे काफी भीड़ रहेगा। लोग दर्शन पा रहे हैं और जा भी रहे हैं। वाह भाई वाह, बोलो सीतला मैया की, बोलो सीतला मैया की। वाह भाई वाह, साथ बताओ। रानी का साक्षात चमत्कार है देखने के लिए, काफी दूरदराज से लोग देखते हैं, काफी दूरदराज से भक्त लोग आए हैं और अपने दुखों को माता रानी को बता रहा है कि और बहुत लोग आए हैं दूरदराज से, काफी दूरदराज से लोग आए हैं। संडे है और आज के दिन काफी भीड़ है और काफी दूर दराज से तो भीड़ लाया अपने दुखों को और यहाँ पे धारण कर रहे हैं। बढ़िया से अभी घबरा मत, दरिया जाए का दिक्कत है, ठीक रहा कल्याण राम भर की नहीं हर राम ना। हाँ बढ़िया आ जाओ, चिंता मत करो, भीड़ में तो नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे। दोस्तों देश 23 साइड माता रानी का हवन हो रहा है जो बहुत तेजी से हो रहा है हवन, और माता रानी साक्षात बोली कि अभी मेरा हवन चाहिए हमको। तो देखिए इधर महन तो लोग हवन कर रहे हैं, इधर यहाँ पे हवन हो रहा है और बगल में साक्षात नीम का पेड़ है जहाँ पे माता रानी साक्षात विराजमान है। देखिए हवन इधर हो रहा है, ठीक बगल में नीम के हवन ठीक बगल में हो रहा है। तो आज का यह दरबार सच्चा चला दरबार, और दरबार का साक्षात आप लोग नज़ारे देखे, दर्शन किए माता रानी का, चमत्कार देखे। जैसे सामने नीम का पेड़ है जहाँ पे माता रानी साक्षात दरबार है, और देखते हैं यहाँ दरबार पे भी अभी भी काफ़ी भीड़ है, और यहाँ देखते हैं माता रानी अभी भी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं, अपने प्रसाद अपने हाथों से उठा के दे रही हैं। तो ये दरबार देखिए काफ़ी भीड़ लगा, अभी भी शाम के बिलाओगे अभी भीड़ है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं क्लोज। देखते हैं बच्चे भी काफ़ी उत्साह लगा कर देख रहे हैं, काफ़ी मन लगा कर देख रहे हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दोस्तों आप लोग देखें माता रानी का साक्षात चमत्कार आज लाइव दिखाएं आप लोग को, आज था संडे और काफ़ी भीड़ था। एड्रेस मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग को आना होगा तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप लोग आ सकते हैं। और बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे लाइव के लिए ना, तो आज मैं लाइव आया हूँ, आप लोग देख लीजिए। और बहुत सारे भाई लोग को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जाते जाते शेयर करिएगा ताकि जल्द से जल्द माता रानी का पूरा जो भी है आगमन है और भी बढ़ सके। प्लीज़ बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करिएगा आप लोग। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय माता दी दोस्तों।